तो आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की बुक बिहाइव के सेकंड चैप्टर को और उसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटर्न बाय डेब्रो काउली इसमें एक्चुअली दो स्टोरीज हैं आज हम पार्ट वन को करेंगे जो लेसन का टाइटल है वो हमें बताता है कि ये लेसन म्यूजिक के बारे में जो फर्स्ट पार्ट है उसका टाइटल है एवलिन ग्लैनी लेसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट आप इसको पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोई कैसे सुन सकता है बिना सुने हुए तो ये बात हमें यह लेसन पढ़कर पता चलेगी तो लेसन पढ़ने से पहले हम इन लाइनों को पढ़ते हैं गॉड मे हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान ने उसकी हियरिंग पावर को ले लिया होगा लेकिन उसे वापस कोई ऐसी चीज दे दी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी वट वी हियर शी फील्स जो हम सुनते हैं वो फील करती है फारोर डीपलीन एनी ऑफर और हमसे कई ज्यादा डीपली वो उस चीज को फील करती है दैट्स वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली यही कारण है कि वो एक्सप्रेस करती है म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली इतने ब्यूटीफुल मैनर में रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए परसन हु फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी इस लेसन को पढ़ो एक ऐसे पर्सन के बारे में जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट किया जिसने और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया लेट्स रीड द लेसन ना रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म गर्ल लुकिंग यंगर देन हर सेवनटीन ईयर्स वॉज नर्वस द दाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन रश आर का टाइम था जो क्राउड थी वो जोसल कर रही थी जोसल का मीन्स क्या होता है पुश करना एक दूसरे को अपनी पोजीशन लेने के लिए एक ऐसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जो अंडरग्राउंड था ए स्लाइट गर्ल तो एक स्मॉल एंड थिन दिखने वाली लड़की जो 17 ईयर ओल्ड थी लेकिन वो 17 ईयर ओल्ड दिखाई नहीं दे रही थी वो उससे भी कम एज की दिखाई दे रही थी जब उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील किया तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस थी क्यों वो एक्साइटेड और नर्वस थी इट वॉज़ हर फर्स्ट डे ऐट द प्रस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन ये उसका पहला दिन था कहाँ पर वो जा रही थी एक बहुत ही फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो लंडन में है एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर्स फ्रेश फ्राम ए स्कोटिश फॉर्म और ये बहुत ही डोंटिंग था बहुत ही फ्राइटनिंग था फ्राइटनिंग किसके लिए था किसी भी टीनेजर्स के लिए जो कहाँ से हो किसी स्कॉटिश फार्म से हो स्कॉटिश फार्म का मीनिंग यहाँ पे वो स्कॉटलैंड के किसी रूरल एरिया से थी बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट शी वॉज परफॉर्मली डेफ लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी एस्पायरिंग जो इच्छा रखता हो कुछ बनने की तो वो किस चीज़ के लिए एस्पायर कर रही थी म्यूजिशियन बनने के लिए वो फेस कर रही थी उसको फेस करना पड़ रहा था एक बहुत बड़ा चैलेंज मोस्ट ऑफ द पीपल से ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्योंकि वो परफाउंडली डेफ थी परफोनली मतलब कंप्लीटली डेफ थी वो वो सुन नहीं पाती थी एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हेरिंग हैड बिन ग्रेजुअल जो एवलिन ग्लैनी का लॉस ऑफ हेयरिंग था मतलब उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो कम हुई थी वो धीरे धीरे हुई थी ग्रेजुअल हुई थी हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग एट ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो उसकी मदर याद करती है जब उसने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ तो गलत है इस आठ साल की लड़की के साथ एवलिन के साथ जो वेट कर रही थी कि वो प्यानो को आकर प्ले करे दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडन मूव उन्होंने एवलिन को उसके नाम से बुलाया

कहाँ से अपने फ्रेंड से और टीचर से छुपा लिया बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड लेकिन जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे एग्जाम में वो बिल्कुल ही डिटेरियरेट हो गए मतलब खराब आने लगे कम आने लगे एंड हर हेडमिस्ट्रेस और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल में अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू वे हेडमिस्ट्रेस ने एवलिन के पेरेंट्स से कहा कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये बात डिस्कवर हुई तब ये बात का पता लगा कि उसकी जो हियरिंग है सुनने की पावर है वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पेयर हो गई थी वीकेंड हो गई थी कमजोर हो गई थी और ये क्यों हुई थी ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से धीरे धीरे उसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी देवर एडवाइस डेट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंड टू स्कूल फॉर दिन के पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया कि इसे क्या फिट करवाने चाहिए एवलिन को हयरिंग एड्स फिट करवाने चाहिए मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे वो सुन सके और उसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए वो स्कूल जो डेफ लोगों के लिए होता है एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेवलिन एवलिन एवलिन कहती है कि हर चीज अचानक मेरे लिए ब्लैक हो गई बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलिन ऐसी लड़की नहीं थी जो गिव अप करते जो हिम्मत हार जाए शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड पर्स्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक उसने इरादा पक्का कर रखा था वो डिटरमाइंड थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी जिएगी और किसको पर्स्यू करेगी अपने इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट को पूरा करेगी जो म्यूजिक में है वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट एक दिन एवलिन ने नोटिस किया एक गर्ल को कि वो जायलोफोन को प्ले कर रही थी जायलोफोन जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं और उसने ये फैसला लिया कि वो भी इसको प्ले करना चाहती है मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट पोटेंशियल मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन जो प्रकर्शनिस्ट रोन फॉप्स थे प्रकशनिस्ट हम किसको बोलते हैं अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम द तबला एटसेट्रा जो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं उन्हें हम प्रकर्शनिस्ट बोलते हैं तो जो वो प्रकशनिस्ट रोन फॉप्स थे उन्होंने सपोर्ट कर लिया देख लिया उसके पोटेंशियल को मतलब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है एबिलिटी है जो डेवलप हो सकती है उसमें कितना पोटेंशियल है उन्होंने ये बात नोट कर ली ऑब्जर्व कर ली ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स तो उन्होंने कैसे शुरू किया उन्होंने दो ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर मतलब अलग अलग सुरों पर ट्यून किया डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स अपने कानों से मत सुनना ही वुड से उन्होंने ऐसा कहा और आगे क्या कहा ट्राई टू सेंस इट समे सेवलिन एवलिन कहती है कि उन्होंने कहा कि इसको सेंस करने की कोशिश करो म्यूजिक को किसी और तरीके से सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन तो एवलिन कहती है ये बात अचानक मुझे रियलाइज हुई कि मैं फील कर सकती हूँ हायर ड्रम को वेस्ट से जो ऊपर का पार्ट है बॉडी का उससे वो फील कर सकती थी हायर ड्रम को और जो लोअर ड्रम है उसको वो फील कर सकती थी वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से फोब रिपीटेड द एक्सरसाइज फोप ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी तो एवलिन ने ये बात डिस्कवर कर ली बहुत जल्दी कि वो सेंस कर सकती है कुछ सर्टेन नोट्स को सुरों को कहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी अपने बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है सेंस कर सकती है आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस वो क्या कहती है कि मैंने सीख लिया था कि कैसे खोलना है कैसे ओपन करना है अपने माइंड को और अपनी बॉडी को साउंड्स एंड वाइब्रेशन के प्रति कैसे साउंड्स एंड वाइब्रेशन को सुनने के लिए मुझे अपने माइंड को ओपन करना है द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क और कहती है बाकी जो रेस्ट था बचा हुआ था वो टोटल डिटर्मिनेशन था टोटल पूरा का पूरा पक्का इरादा था और मेहनत थी आगे हमें क्या बताया जाता है शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उस पॉइंट से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वॉज सिक्सटीन शी है वह एक टूर पर गई और कहाँ गई यूनाइटेड किंगडम और किसके साथ गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई और उस समय तक वो सोलह साल की थी और वो ये फैसला ले चुकी थी कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ़ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ़ द एकेडमी ऑडिशन का मीनिंग क्या होता है कि एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना ताकि जो डायरेक्टर हैं वो डिसाइड कर सकें कि आप ठीक हैं उस एक्ट को करने में या नहीं तो उसने ऑडिशन दिया किसके लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और वहाँ पर क्या स्कोर किए वन ऑफ़ द हाइस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए उस अकेडमी की हिस्ट्री में शी ग्रेजली मूवड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस और वो धीरे धीरे मूव कर गई पहले वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी मतलब कई लोग मिलकर काम किया करते थे उसके बाद वो कहाँ पे मूव कर गई सोलो परफॉर्मेंसेस में वो अकेली परफॉर्म करने लग गई एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर कोर्स जब तीन साल के कोर्स का एंड हुआ शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड वो जीत चुकी थी ज्यादातर उस एकेडमी के जितने भी टॉप अवार्ड्स थे उनको वो जीत चुकी थी एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट और इन सब चीज़ों के लिए एवलिन ये नहीं कहती थी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी ये कोई हीरोइक अचीवमेंट है कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम करके दिखाया है वो ऐसा नहीं मानती थी वो क्या कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो मतलब तुम्हें तुम्हारे गोल का पता है यू विल गेट देयर तुम वहां पर पहुंच ही जाओगे एंड शी गोट राइट टू द टॉप वो टॉप पर पहुंची द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी मल्टीपर्क विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल्ड वो जो एवलिन थी वो, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो डिमांड मल्टीपर्कसनिस्ट उनमें से थी और उसकी मास्टरी किस पर थी उसकी कमांड किसके ऊपर थी थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसकी कमांड थी और उसका बहुत ही हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल था हेक्टिक मतलब उसके पास टाइम नहीं था उसको इतना इंटरनेशनली विजिट करना पड़ता था बाहर जाना पड़ता था कि उसके पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी मतलब हैक्टिक स्केड्यूल था इट इज इंट्री गुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हीरिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है बहुत ही अच्छा लगता है एवलिंग को काम करते हुए बिना किसी एफर्ट के वो एफर्टलेसली उस म्यूजिक को प्ले किया करती थी विदाउट हियरिंग और वो सुन भी नहीं पाती थी इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस ए वर्ड हमारा जो डिस्कशन उसके साथ हुआ वो दो घंटे का हुआ लेकिन एक वर्ड भी उसने मिस नहीं किया मतलब वो हर वर्ड को समझ पाई उसने क्या कहा ये इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड दे रखे हैं उसने क्या कहा मैन विद बुशी beards गिव मी ट्रबल शी लाफ्ट और ये कहकर वो हंसने लग गई उसने क्या कहा कि वो मैन जिनकी बुशी बियर्ड्स होती हैं जिनकी घनी दाढ़ी होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं उनसे मुझे ट्रबल होती है तो उसने आगे इस बात को एक्सप्लेन किया इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स ऐसा नहीं है कि मुझे उनके लिप्स को रीड करने में मुश्किल होती है इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइस मैं पूरे फेस को देखती हूँ और आइस को तो मैं स्पेशल रूप से देखती हूँ मतलब मैं आँखों से लिप्स से और पूरे फेस से समझती हूँ कि कोई क्या कह रहा है शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट ए स्कॉटिश लिल्ट वो बोलती है फ्लॉलेसली फ्लॉलेसली का मीनिंग क्या होता है विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक वो बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक के बोलती है और कैसे बोलती है स्कॉटिश में बोलती है उसका जो एक्सेंट है उसका जो स्टाइल है वे है बोलने का वो क्या है स्कॉटिश है और वो आगे क्या कहती है माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई दाइव इलेवन शी से मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल तक जब तक मैं 11 साल की थी मैं सुन सकती थी जो लोग बचपन से सुन नहीं पाते तो वो एक बोल भी क्लियरली नहीं पाते तो वो क्या कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं इलेवन ईयर तक सुन सकती थी बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज लेकिन उसकी इस बात से ये बात एक्सप्लेन नहीं होती कि उसने कैसे मैनेज कर लिया कि तो उसने फ्रेंच भी सीख लिया और बेसिक जैपनीज भी सीख ली इस बात का पता नहीं चलता एज़ फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन जहां तक म्यूजिक की बात है वो एक्सप्लेन करती है वो क्या कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी ये मेरी बॉडी में उडलता है ये मेरी बॉडी में आता है हर हिस्से से मेरे बॉडी के हर हिस्से से हर पार्ट से म्यूजिक आता है इट टिंगल्स इन द स्किन ये टिंगल्स करता है टिंगल्स का मीन्स होता है कि पिकिंग जैसे कि कोई चीज चुभना उसको हम क्या कहते हैं टिंगल तो वो कहती है ये टिंगल करता है मेरी स्किन में मेरे चीक बोन्स में एंड इवन इन माय हेयर और मेरे हेयर में भी मुझे फील होता है म्यूजिक व्हेन शी द जाइलोफोन जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द दिन टू हर फिंगर टिप्स वो सेंस कर सकती है पास करते हुए साउंड को पास करते हुए स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स में आता है बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स और जब वो ड्रम्स पर झुकती है उन्हें प्ले करती है शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी वो फील कर सकती है उस रेजोनेंस को उस गूंज को कि उसकी बॉडी में वो म्यूजिक बह रहा है फ्लो कर रहा है ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूवस हर शूज सो दैट द वाइब्रेश पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर लेग्स जब वो वुडन वो वो प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है तो वो रिमूव कर देती है हटा देती है उतार देती है अपने शूज को और क्यों हटा देती है ताकि जो म्यूजिक की वाइब्रेशन है वो पास हो सके उसके नंगे पाओ से और उसकी लेग्स में पास हो सके नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलइट हर ऑडियंस इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो एवलिन है शी मेक्स हर ऑडियंस हैप्पी वो अपने ऑडियंस को हैप्पी कर देती है खुश कर देती है इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सेस मास्टर प्रकर्शनिस्ट जेम्स ब्लेड गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा जो मास्टर प्रकर्शनिस्ट जेम्स ब्लेड हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की पावर ले ली होगी लेकिन गॉड ने उसे ऐसी कोई चीज़ दे दी जो एक्स्ट्रा है वट वी हीयर शी फील्स जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफर्स हमसे भी कई ज़्यादा डीपली वो फील कर पाती है दैट इज वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली यही कारण है कि वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है इतना ब्यूटिफुली एवलिन कन्फ्रेसिस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्क एल्कोहलिक एवलिन इस बात को मानती है कि वो वर्क एल्कोहलिक है वर्क एल्कोहलिक हम किसे कहते हैं ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग जो काम किए बिना रह ही नहीं सकता जिसे काम करने का नशा सा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं वर्क एल्कोहलिक तो वो मानती है कि वो वर्क एल्कोहलिक है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क मुझे तो सिर्फ काम करना है ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन और मुझे उनसे भी ज़्यादा कड़ा मेहनत वाला काम करना है जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं बट द रिवार्ड्स आर लेकिन उसका जो रिवार्ड मिलता है वो कहती है बहुत बड़ा मिलता है उसके अलावा एवलिन एंड्री कॉन्सर्ट्स देती है अपने म्यूजिकल प्रोग्राम करती है जेल में कैदियों के लिए और हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए वो फ्री करती है शी आल्सो हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फ़ॉर यंग म्यूजिशियंस वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है मतलब प्राथमिकता देती है किसको, उन क्लासेस को जो किसके लिए यंग म्यूजिशियन के लिए होती हैं एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन है बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की वो क्या कहती हैं शी इज़ ए शाइनिंग इंस्परेशन वो तो एक शाइनिंग इंस्परेशन है एवलिन एक शाइनिंग इंस्परेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो वो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच सकते डेफ चिल्ड्रन को भी ऐसा लगता है कि हम हर जगह पहुंच सकते हैं जब वो किसको देखते हैं एवलिन को एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज एवलिन ग्लैनी ने ऑलरेडी एकम्पलिश कर लिया है अचीव कर लिया है जो उससे डबल एज वाले लोग भी नहीं कर पाते शी हैज ब्रॉट प्रकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा वो प्रकशन को कहा ले आई है ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर सबसे आगे ले आई है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग और उसने एक बात डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि जो प्रकशन है वो भी क्या हो सकता है मूविंग हो सकता है इमोशनली मूविंग हो सकता है शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर दोकै एवलिन ने इंस्पिरेशन दी है प्रेरणा दी है उन लोगों को जो हैंडी हैं, है पीपल हु लुक टू हर एंड से वो लोग जो उसे अपने आइडियल की तरह देखते हैं वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस और ये बात भी कम नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है लाखों लोगों को खुशी दी है तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है एवलिन की जो अपने डिटर्मिनेशन की वजह से अपनी हार्डवर्क की वजह से और उसे ये पता था कि मेरा गोल क्या है उसने वो अचीव कर लिया व्हाट शी वांटेड टू अचीव जो वो अचीव करना चाहती थी आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी